जनपद संभल के चंदोसी में SDM और CO ने लॉकडाउन का लिया जायजा। ड्रोन कैमरे से की गई निगरानी। प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में प्रत्येक सप्ताह के अंतिम दो दिन घोषित दो दिवसीय लॉकडाउन के पहले दिन जनपद संभल के चंदोसी में उप जिलाधिकारी महेश प्रसाद दीक्षित और पुलिस क्षेत्र अधिकारी अशोक कुमार सिंह ने पैदल ही शहर का भ्रमण किया और बाजार की निगरानी ड्रोन कैमरे के माध्यम से की। इस दौरान दुकान खोलने वाले दुकानदारों के विरुद्ध कार्यवाही भी की गई, जिसमें समन शुल्क के रूप में 16,000 रुपए की वसूली भी की गई। इस मामले में पुलिस क्षेत्र अधिकारी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि लॉकडाउन का अनुपालन कराने के लिए नगर का भ्रमण किया गया और लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्यवाही की गई तथा उनसे समन शुल्क के रूप में 16,000 रुपए की वसूली भी की गई। ये प्रदेश शासन के आदेशानुसार जो दो दिन बंदी थी, शनिवार और रविवार बंदी रहेगी, इसमें इस महामारी संचारी रोगों को रोकने के लिए हम लोगों ने ड्रोन कैमरे से निगरानी की है, ताकि कहीं लोगों की भीड़ इकट्ठा ना हो, लोग घरों से बाहर ना निकलें, बेवजह का ना निकलें। और ये भी देखा गया कि कहीं कोई मार्केट में दुकानें तो नहीं खुली हैं, अगर कोई भी दुकान हमको खुली दिखाई देगी तो हम उसके खिलाफ़ कड़ी कानूनी कार्रवाई करेंगे।